दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मेडिकल कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टेक्निक जिसे डिप्लोमा कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको जितना भी डाउट है सब चीज को क्लियर कर देंगे। जितना भी सब 10 सवाल लिखे हैं वही सब कोई भी रिलेटेड सवाल है आज आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ इंक्लूडिंग जॉब क्या होता है सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात तो पॉलिटेक्निक 3 ईयर एक टेक्निकल कोर्स होता है जी, कहीं कहीं इसको डिप्लोमा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके चलते हैं। आइए हमारे साथ पहले पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक जो आपको होता है पॉलिटेक्निक जो होता है इसको डिप्लोमा भी बोला जाता है। ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। अब जैसे ये पॉलिटेक्निक है इसके अंदर ब्रांच सब बहुत ज्यादा है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब कोर ब्रांच है। उसके अलावा भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तो सबका बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिकल हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया, बहुत सारा इसका ब्रांच है। इंक्लूडिंग हम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करें लास्ट ईयर में, तो अच्छा सा मैकेनिकल के बारे में कुछ और ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया पॉलिटेक्निक क्या होता है। दूसरा इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहता है, इसकी क्वालिफिकेशन में आपका हो जाएगा 10 या 12 दोनों पास कर सकते। 10 पर से आप में जनरली पॉलिटेक्निक करना रहता है 3 ईयर का कोर्स। अगर 12 पर से आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप इंटर किए हैं तो आपको इंटर केवल इंटर किए वही हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई नेटवर्क एंट्री के थ्रू आएंगे। तो 3 ईयर का जो आपका कोर्स है वो आपका 2 ईयर में ही हो जाएगा अगर 12 से कीजिएगा लेटरल एंट्री का। अगर जनरली ओपन बोर्ड से जैसे कि 10 से कीजिएगा तो ये आपका 3 ईयर का कोर्स होता है। इसका कोर्स के लिए एग्जाम BCEC बोर्ड आपका दिलाता है। अभी जुलाई या अगस्त में 2024 में इसका फॉर्म आएगा। अगर चाहते हैं कि हम भी एडमिशन लें और पॉलिटेक्निक करें या डिप्लोमा तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए, हम इसमें पूरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम इन ट्रांस को क्वालिफाई किए हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन करना है, क्या तैयारी करना है। हम भी अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लागू तो स्कूल से भी डिप्लोमा कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फाइनल ईयर में 2020-21 में एडमिशन लिया। उसके बाद ये अगर आपका क्लियर हो गया उसके बाद दूसरा है क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्लियर हो जाए कोर्स कितने साल का होता है, अगर आपको क्लियर कर दे 3 ईयर का कोर्स होगा। उसके बाद एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन के लिए आपका बिहार से अगर कोई लोग हैं तो BCEC बोर्ड से एग्जाम कंडक्ट कराता है। आपको नोटिफिकेशन आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए हम आपको बता देंगे। और अगर अदर किसी स्टेट से हैं तो सब स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है कंडक्ट कराता है। आप कमेंट कर दीजिएगा आप जिस बोर्ड से जिस स्टेट से हम उसका बोर्ड बता देंगे, आपका नोटिफिकेशन आता है हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ बिहार झारखंड जहाँ से हो स्पेशली बिहार के लिए हम वीडियो बनाए थे, 50 लोगों को बहुत डिमांड था एडमिशन के लिए। अगर उसका फीस कितना लगता है और हम अगले सेमेस्टर का बताएं तो हम जब एडमिशन लिए थे तो हमको 1560 के आसपास कुछ लगा था, 1560 हमको लगा था ऐसा कुछ टका इतना का आसपास हमको खर्च हुआ था। उसके बाद आपका 1500 ये हो गया, उसके बाद आपका 1000 पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फी लगता है, सॉरी 1500 तो 1500 ये हो गया और एडमिशन चार्ज 1000 लगता है। तो 3 साल का आपका हो जाएगा 3000 एडमिशन का प्रतिक्रिया। और आपका एग्जाम का हो जाएगा 1500 पर सेमेस्टर लगता है 6 सेमेस्टर तो 1500 के लिए 9000 इसका हो जाएगा, तो 9 × 3 = 12000 आपको 12-13000 ही आपका खर्च होगा अगर सरकारी कॉलेज से लीजिएगा। हम भी गवर्नमेंट से करें तो 1200-1500 में इजीली हो जाएगा 3 साल का कोर्स। उसके बाद आपका हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल भी आपको कम कॉस्ट में मिल जाता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये आपका टेक्निकल कोर्स है। उसके बाद आपका एक कौन कौन सी कोर्स होती है, कोर्स के बारे में बता दिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दिए। उसके बाद एंट्रांस सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं क्या है इसका सिलेबस, इस पर बोलिएगा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक का जो आपका सिलेबस है इसका सिलेबस का बात करें तो मैथ है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर
फिजिक्स केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहे, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहे, मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा आपका, टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहता है। मार्क्स का बात कर ले तो 450 मार्क का टोटल आपका। अब ये भी बता देते हैं कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में कितना हो जाएगा, अगर सिविल ब्रांच में जीता जो कि मोस्ट डिमांडेड होता है बच्चा को फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके लिए आपको लगभग 200 से प्लस नंबर लाना है, 200 से प्लस क्या अढ़ाई सौ हाँ 220-230 ला दीजिएगा हो जाएगा सिविल। आप कोशिश कीजिएगा कि 200 से प्लस लाने के लिए आपको 40 क्वेश्चन को सही करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, तो 40 क्वेश्चन सही कीजिएगा 200 से ज्यादा मार्क आ जाएगा मिनिमम आपको इतना मार्क चाहिए। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा तो इतना मार्क्स आपको ला देंगे, हम गारंटी लेते हैं इसके, क्योंकि अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपका सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया। उसके बाद हो गया कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या करें, देखिए पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका बहुत जॉब आ सकते हैं, पर हैवी जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब होता है, दो सेक्टर में जॉब होता है, पर हैबिट में अगर मैकेनिकल से किए हैं तो टाटा या इलेक्ट्रिकल से किए, टाटा सुजुकी प्राइवेट कंपनी में अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो प्राइवेट में कंपनी मिलता है आपको जॉब। उसके बाद अगर गवर्नमेंट में लीजिएगा तो आपका SSC जेई, RRB जेई, DRDO, उसके बाद PSU में आपका सेल बेल, उसके बाद मेट्रो का आ गया, मतलब जॉब बहुत ज़्यादा इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। साथ में अगर 10th से करते हैं एक चीज़ और होता है कि आपको 12th का भी डिग्री मिल जाता है, तो 12th अलग से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लोग 12th करना चाह रहे हैं तो 12th से अच्छा कि ये कर ले आपको 12th भी हो जाएगा और एक टेक्निकल डिग्री भी हो जाएगा, और ये अभी मोस्ट डिमांडेड है प्राइवेट के लिए, तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा कोर्स है करना ही चाहिए। उसके बाद सैलरी की थ्योरी होती है, अगर आप सैलरी का बात करें तो अगर गवर्नमेंट में जाइएगा तो 30 तो नहीं आपको 50 से प्लस सैलरी मिलेगी, 50,000 से एव भी सैलरी मिल जाएगा, जबकि आप प्राइवेट में जाइएगा तो प्राइवेट में थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है, 20 के साथ का स्टार्टिंग है, एक्सपीरियंस पड़ेगा तो हर साल आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा, यानी 2 साल जॉब करके आप 30-35 की जी कमा लीजिए, सैलरी भी अच्छा खासा हो जाता है प्राइवेट से, गवर्नमेंट में मिला तो ठीक है, नहीं प्राइवेट में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, सिविल का सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में थोड़ा रहता है और प्राइवेट में थोड़ा कम आता है। और इसके बारे में अगर कोई भी डाउट कमेंट कीजिए, डिटेल सिलेबस पे भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बुक कर दीजिए। उसके बाद सैलरी कितनी क्लियर हो गई, इसके बाद तैयारी कैसे करें, तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सिलेबस भी है और कमेंट कीजिए, हम इसके टोटल वीडियो बनाए टॉपिक पे, आप केवल कमेंट कर दीजिए, हमें मेरे पास एक्सपीरियंस भी है कि ऐसे ही क्लास देते हैं सब कुछ है, तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब।